तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक मुखी रुद्राक्ष से। हर एक रुद्राक्ष के बाद आपको टाइम दिया जाएगा 1 से 2 मिनट का। अगर किसी का कोई सवाल होगा उसके बारे में तो साथ के साथ आप पूछते जाना, ठीक है जी? क्योंकि स्टूडेंट्स कम ही ज्वाइन किए हैं क्लास में, बहुत सारे लोगों को टेलीग्राम शायद चलाना ही नहीं आता, ठीक है? या फिर आज संडे की छुट्टी मना रहे हैं। हेलो मैम, मैंने जी सर। कहा क्लास स्टार्ट करने के पहले रुद्राक्ष का जो आप फ्रूट बोल रहे थे ना, मेरे पास में कई सारे फ्रूट्स हैं, तो मैंने कहा एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए, हाँ जी बिल्कुल सर, दिखा दीजिए, देख लीजिए सारे लोग। ठीक है जी, थैंक यू जी सर। तो आपने देखा कि कैसे उसके आसपास एक शेल बना हुआ है। अगर ये इसका साइज इतना है तो इसके अंदर दाना बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि आधा इंच तक का तक तो ये रहता है इसका जो शेल है, ठीक है? तो इसके अंदर जो दाना होगा वो छोटा होगा, ठीक है? और 5 मुखी का लग रहा था मुझे ये। हाँ जी, नेक्स्ट लिखिए, 1 मुखी रुद्राक्ष। मैं आपको इसमें ना इसके कुछ न्यूमरोलॉजी और वास्तु से जुड़े हुए इस्तेमाल भी बताऊंगी, आप लोग आराम से लिखते जाना। लिखिए, 1 मुखी रुद्राक्ष को इसके पहले उपाय लिख लीजिए, क्या क्या होते हैं, किस किस चीज के लिए इस्तेमाल होता जी। 1 मुखी रुद्राक्ष के बारे में हम बात करने जा रहे थे। 1 मुखी रुद्राक्ष को लक्ष्मी रूपम माना जाता है। 1 मुखी रुद्राक्ष को लक्ष्मी रूपम माना जाता है। 1 मुखी रुद्राक्ष भी इतनी जल्दी नहीं मिलता, ढूंढना पड़ता है, और ओरिजिनल का थोड़ा इसमें भी झोल रहता है, तो इतनी जल्दी नहीं मिल पाता है 1 मुखी रुद्राक्ष भी। तो इसको जो भी अपने पास रखता है उसकी जिंदगी में उसको काफी ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिसकी दूसरे लोग कामना ही कर पाते हैं। कहने का मतलब कि 1 मुखी रुद्राक्ष पहनने से या पूजा करने से अच्छी वेल्थ देता है, वेल्थ देता है। ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में रिस्पेक्ट और रेपुटेशन की पीक पे पहुंचता है, मतलब कि आप समझ सकते हो जो मैं कहना चाहती हूँ, एक्सट्रीम रिस्पेक्ट और रेपुटेशन इसकी जिंदगी में। इसकी जिंदगी में कभी भी इसको डोमिनेशन फील नहीं होता, इसको कोई डोमिनेट नहीं कर पाता, दबा नहीं पाता इसको। लिखिए, 1 मुखी रुद्राक्ष को 1 मुखी रुद्राक्ष को अपने सर से बांध के गंगा स्नान करने से बहुत ज्यादा अच्छे फल मिलते हैं। 1 मुखी रुद्राक्ष को अपने सर से बांध के गंगा स्नान करने से बहुत ज्यादा अच्छे फल मिलते हैं।
कितने लोगों ने देखा है एकमुखी रुद्राक्ष? अभी आप लोगों को ग्रुप में भेज रही हूँ, इसको देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों बोला गया ऐसे। एक मुखी रुद्राक्ष को ना हाफ मून भी बोला जाता है, काजू दाना भी बोला जाता है। तो बेसिकली जैसे भगवान शिव चंद्र को अपने सर पे सजाते हैं और उन्हीं के सर से गंगा भी बहती है, तो इसी तरीके से इसको अपने सर से बांध के, बालों से बांध के अगर कोई इंसान गंगा में नहाता है तो उसको उसकी लाइफ के बेस्ट ऑफ रिजल्ट मिलते हैं, मतलब सबसे बेस्ट वाले रिजल्ट। ठीक है जी। इसको अगर हम हमारे घर में बात करें तो एक मुखी रुद्राक्ष को साउथ डायरेक्शन में और ब्रह्म स्थान पे रख के अच्छे रिजल्ट पाए जा सकते हैं। इसको अपने घर के साउथ डायरेक्शन या ब्रह्म स्थान पे रख के अच्छे रिजल्ट पाए जा सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ रखो, या जरूरी नहीं है कि अगर ब्रह्म स्थान बिजी है तो साउथ में नहीं रख सकते, मतलब किसी भी एक में रख लो या दोनों में रख लो चलेगा। चलो एक चीज इसकी और बताती हूँ आपको, एक मुखी रुद्राक्ष अगर घर में रख लोगे, ऐसे घर में किसी की सडन डेथ नहीं होती, मतलब अगर जिसका समय पास आएगा वो आपको बताएगा, वो आपको इशारा करेगा कि मेरा जाने का समय आ गया, सडन शॉक नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, आपको बेसिकली प्रिपेयर हो जाता है एक इंसान का दिमाग। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, दो मुखी रुद्राक्ष को शिव और पार्वती रूपम माना गया है। शिव पार्वती, शंकर पार्वती रूपम मानते हैं इसको। ठीक है जी, इसमें भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों का ही आपको असर मिलेगा। ये मेंटल पीस के लिए पहनाया जाता है। जिन लोगों को लगता है ना कि चंद्र की बुरी स्थिति होने की वजह से, हमारा मेंटल पीस ही नहीं है हमारे पास, ओवरथिंकिंग के शिकार हो रहे, दो मुखी रुद्राक्ष को शंकर पार्वती या शिव पार्वती रूपम बोला जाता है। ठीक है, ये मेंटल पीस के लिए पहना जाता है। जिनकी कुंडली में चंद्र अच्छी स्थिति में नहीं है वो लोग दो मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अब इसको पहनने के ना कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी आप लोगों से, लेकिन अभी आप इस सभी को लिखते जाए, सेम ही होंगे सभी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, तो अभी आप इनके पहले यूजेस लिख लो। अपने माइंड को बहुत अच्छे से बैलेंस करने के लिए अपने बुरे समय पे, जैसे कि मान लो जिंदगी में बड़े क्राइसिस चल रहे हैं और कोई बंदा बोलता है ना कि इस समय तो मेरा अच्छा समय नहीं चल रहा, ठीक है, इसी के साथ बार बार डिबेट हो जाती है, डिबेट को विन करने के लिए जज या फिर लॉयर बनने के लिए संत या फकीर बनने के लिए कोई रिसर्च करने के लिए,
दो मुखी रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है, पूजा की जा सकती है, या फिर घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखा जा सकता है। हेलो। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो बताइए, जल्दी जल्दी इस चीज को कवर करें। हाँ जी उत्सव जी बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है उसके डीटी सूर्यदेव हैं, और आपने बताया कि जैसे साउथ और सेंटर में उसको रख सकते हैं, तो ईस्ट में रख नहीं सकते हैं इसको? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो कि सूर्यदेव की जो दिशा है। हाँ जी देवा सिस्टर। मैम ये एक मुखी एंड दो मुखी जो रुद्राक्ष हुआ, ये इसका क्या साइज क्या होगा, और इसको क्या माला करके पहनना चाहिए और सिंगल पहनना चाहिए? ओके सर आगे बताती हूँ। मैम, ओके। अच्छा देखो एक चीज तो बड़ी क्लियर है, सबसे ज्यादा इजीली अवेलेबल है पांच मुखी रुद्राक्ष। पांच मुखी रुद्राक्ष की माला पहन लो, आसानी से सारी ओरिजिनल बन जाएगी, ठीक है। लेकिन बाकी जितने भी रुद्राक्ष हैं उनका एक दाना भी पहन लो और उसको ही अच्छे से संभाल लो, बहुत अच्छी बात है आपके लिए, किस्मत वाले हो आप। पूरी माला पहनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है ना, रुद्राक्ष की संभाल बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो जब आप इस चीज में आगे बढ़ते हो क्लास में, तो फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताती हूँ। इसमें लिखिए नेक्स्ट, तीन मुखी रुद्राक्ष, तीन मुखी रुद्राक्ष को माँ सरस्वती रूपम, माँ सरस्वती रूपम माना जाता है। लिखिए इसका इस्तेमाल राहु शांति के लिए, दो मुखी रुद्राक्ष के लिए मैंने साउथ ईस्ट डायरेक्शन बताई थी सुनील जी, दो मुखी रुद्राक्ष के लिए मैंने साउथ ईस्ट बताया था, अभी तीन मुखी लिखिए रह जाएगा आपका। तीन मुखी रुद्राक्ष को माँ सरस्वती रूपम माना गया है, ठीक है। जिनकी कुंडली में राहु बुरे फल दे रहा हो वो इसको पहन सकते हैं, इसकी पूजा कर सकते हैं। अपने घर में नॉर्थ डायरेक्शन में रख सकते हैं, ठीक है। जो लोग हीलर हैं, आप में से कोई हीलर, रेकी हीलर, प्राणिक हीलर, ठीक है। चेतना मैम आपके चेहरे से पता चल जाता है, जयश्री मैम का मुझे पहले से पता है, वो चीटिंग हो जाती है। जी तीन मुखी रुद्राक्ष जो है हीलर्स भी पहन सकते हैं, क्योंकि ये आपके द्वारा किसी की हीलिंग को, इस चीज की पावर बढ़ाता है। ये हम डॉक्टर्स को भी पहनाते हैं ताकि उनके हाथ में शफा बढ़ जाए। कुछ लोग आपने देखे जिनको सारी सीजनल बीमारियां होती हैं, जो भी नया बुखार आएगा मार्केट में उनको हो गई होगा। ठीक है, तो जिनको सीजनल बीमारियां जल्दी हो जाती हैं, जो जल्दी इम्यूनिटी जिनकी वीक है, जल्दी कुछ भी पकड़ लेते हैं, उनको तीन मुखी रुद्राक्ष पहनाया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप ज्यादा बीमार रहते हो तो तीन मुखी रुद्राक्ष पहन लो, खुद भी ठीक हो जाओगे। अगर आपका डॉक्टर इसको पहन के आपका इलाज कर रहा है या आपका हीलर इसको पहन के इलाज कर रहा है, तो समझ लेना आपको उस हाथ से आराम मिल जाएगा। ठीक है जी।
और मैंने डायरेक्शन इसके लिए बताई है आपको नॉर्थ। और खास तौर पे ये जो एक बीमारी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है वो है पीलिया। मतलब अगर टेम्परेरी बेसिस पे भी किसी को पहनाना हो तो आप पहना सकते हो, उसमें कोई वो वजह नहीं है, बस उसका पहनना हुआ कोई और ना पहनने बाद में, ठीक है। अगर किसी को पीलिया हो रहा है, हो गया है, उसको तीन मुखी रुद्राक्ष पहना दो, ठीक हो जाएगा इंसान। फिर आ जाओ चार मुखी रुद्राक्ष पे। चार मुखी रुद्राक्ष को ब्रह्मा रूपम माना गया है। चार मुखी रुद्राक्ष को ब्रह्मा रूपम माना गया है। अच्छा, तीन मुखी रुद्राक्ष की एक और चीज बताती हूँ, लिख लो वो रह जाएगी फिर। जिन लोगों को बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम होती है, मतलब ये नहीं एक छोटा सा पिंपल निकल आया और ये वाली रेमेडी कर लो, मतलब जिनको अक्सर होती रहती है स्किन प्रॉब्लम्स, तीन मुखी रुद्राक्ष को 4 से 5 दिन पानी में भिगो के रखें, बड़े बर्तन में भिगो लें ताकि वो पानी ज्यादा देर चले आपका। तीन मुखी रुद्राक्ष को पानी में भिगो के रखें, पीने वाला पानी, ठीक है। और 4 से 5 दिन बाद उस पानी को निकाल ले और उसको कुछ कुछ समय में, जैसे एक समय बांध ले कि दिन में 3 बार पियोगे, दिन में 2 बार पियोगे, ऐसा 40 से 45 दिन लगातार पिए, आपकी जो भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो जड़ से खत्म हो जाएंगी। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज के लोगों में, ये भी बुध खराब होने से ज्यादा होती है। ठीक है, तो चार मुखी रुद्राक्ष हम लिख रहे थे, ब्रह्मा रूपम माना गया है। और इस एक चार मुखी रुद्राक्ष के अंदर चारों वेदों का ज्ञान इसके अंदर समाया हुआ है। ठीक, मतलब एक ये पहन रही हो, संध्या नाम लिखो, आप उठ के चले गए थे, लिखो चार मुखी रुद्राक्ष, इसके अंदर चारों वेदों का ज्ञान समाया हुआ है, ठीक है। और इसको ब्रह्मा रूपम बोला गया। इसको पहनने से जिसने वेद नहीं भी पढ़े उसको भी उनका ज्ञान हो जाता है अंदरूनी रूप से, ठीक है। इसको पहनने से व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ मिलता है। लोग इन जनरली क्या बोलते हैं, इनमें से एक ही चीज मिलेगी। लिखो, इसको पहनने से ना आपके मन में सात्विक विचार पैदा होते हैं, सात्विक विचार पैदा होते हैं। चार मुखी रुद्राक्ष उसको भी पहनाया जाता है जिसको स्टेज पे बोलने का कॉन्फिडेंस ना हो, ठीक है। जिसकी स्पीच इतनी ज्यादा इंप्रेसिव ना हो उसको आप चार मुखी रुद्राक्ष पहना दो, उसके मुख से शब्द फ्लो की तरह निकलेंगे, ठीक है।
क्योंकि उसके अंदर वेदों का ज्ञान आ गया ना, और वेदों का ज्ञाता बोल ना पाए ऐसा हो नहीं सकता। तो चार मुखी रुद्राक्ष धारण करने के बहुत सारे फायदे हैं। चार मुखी रुद्राक्ष धारण करने से फिजिकल वीकनेसेस भी दूर होती है। इसको घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। चार मुखी रुद्राक्ष को घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। फिर आ जाओ पांच मुखी रुद्राक्ष। पांच मुखी रुद्राक्ष को रुद्र रूपम ही माना जाता है, मतलब भगवान शिव का रुद्र रूप और रुद्र रूपम ही माना गया है इसको। ठीक है जी। इसके अलावा इसको दूसरा एक और नाम दिया गया। नहीं कीर्ति जी, रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी। इस रुद्राक्ष को पंचेश्वर रूपम, पंचेश्वर रूपम भी माना गया है। पांच चीजें जिसको अपनी लाइफ में से खत्म करनी है, पांच चीजें जिसको अपनी लाइफ में से खत्म करनी हो, पांच विकार जिनको हम बोलते हैं, लस्ट, ग्रीड, लस्ट, ग्रीड, अटैचमेंट, जेलस एंड ईगो, मैम जितना हो गया है उसको लिखते जाइए कीर्ति जी, और कैमरा ऑन करके बैठिए। हाँ जी, मैंने बोला लस्ट, ग्रीड, अटैचमेंट एंड जेलस और ईगो, इसको हम क्या बोलते हैं, काम, मोह, उसके बाद लोभ, क्रोध और आपका जेलस, मैं। ठीक है, पांच मुखी रुद्राक्ष को हार्ट के रिलेटेड बीमारियां जिनको हो जाती हैं या हो सकती हैं, उनके चार्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रिडिक्ट किया गया है कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको पहनाना चाहिए। बीपी की प्रॉब्लम इससे ठीक होती है। इसको घर की ईस्ट डायरेक्शन में रखा जाएगा। इसको घर की ईस्ट डायरेक्शन में रखा जाएगा। क्लियर यहां तक सभी को? देखो पांच मुखी रुद्राक्ष जो है ना, मैंने जैसे बोला कि बहुत कॉमन है, इजीली अवेलेबल है, बहुत सारे लोग पहनते हैं, और जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जो बहुत सारी माला पहनते हैं, आप सोचते हो कि इतने रुद्राक्ष पहने इन्होंने, वो सब पांच मुखी होते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। पांच मुखी के अलावा कोई इतना इजीली अवेलेबल है भी नहीं और इतना चीप भी नहीं। ठीक है, तो पांच मुखी रुद्राक्ष इजीली अवेलेबल है और इसके बहुत सारे यूज होते हैं। इन जनरल अपनी लाइफ को अगर कोई इन पांच विकारों से दूर रखना चाहता है तो वो पांच मुखी रुद्राक्ष पहन सकता है और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्योर करता है। इसको घर में रखना है तो ईस्ट डायरेक्शन में रखें, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखिए छह मुखी रुद्राक्ष।
छह मुखी रुद्राक्ष को भगवान कार्तिक के रूपम माना गया है। छह मुखी रुद्राक्ष को भगवान कार्तिक के रूपम माना गया है। आपको पता है कि कार्तिक का महीना जो है वो फीमेल से जुड़ा हुआ होता है, औरतें व्रत रखती हैं उस महीने में, सुबह सुबह उठ के उनको नहाना पड़ता है, ऐसा उनको बोला गया है कार्तिक के महीने में करने के लिए। ठीक है, तो ये जो छह मुखी रुद्राक्ष है ना हमारा, ये फीमेल्स के लिए ही है स्पेसिफिकली। जो औरतें बहुत ज्यादा ऐसे, मतलब अब आजकल तो है नहीं, पुराने समय की बात कर रहे हैं, जो औरतें बहुत ज्यादा घर में दबी हुई रहती थी, घर से बाहर नहीं निकलना, कोई उनके पास एंटरटेनमेंट की सोर्स नहीं है, तो ये छह मुखी रुद्राक्ष ना औरतों को पहना दिया जाता था कार्तिक के रूपम। कार्तिक के रूपों में जो रुद्राक्ष पहनने से ना औरतों को एक इनर हैप्पीनेस मिलती है, सारी तरह के इंजॉयमेंट मिलते हैं, सेटिस्फेक्शन मिलती है, और बाहरी दुनिया की तरफ उनका खिंचाव खत्म हो जाता है और मेडिटेशन की तरफ उनका झुकाव जो है वो ज्यादा हो जाता है। मेडिटेशन की तरफ अगर किसी औरत का झुकाव बढ़ाना है आपको, या फिर आप देखते हो कि कोई औरत आपको ऐसे लगती है कि मतलब सीधे शब्दों में बात कर रही हूँ कि कोई बच्चा, कोई फीमेल चाइल्ड आपको ऐसा लग रहा है कि हद से बाहर जा रही है, आपके कहने से बाहर जा रही है, इसको कंट्रोल करना जरूरी है, तो हम एस्ट्रोलॉजी में क्या बोलते हैं कि आपको ना शब्दों से कुछ नहीं बोलना कभी अपने बच्चों को, या तो हम वास्तु की रेमेडी करेंगे या हम कोई और तरीका अपनाएंगे, बच्चों को बोल के हम इरिटेट नहीं करेंगे। तो बच्चों को कंट्रोल करने के लिए या तो बच्चे को पहना दो या फिर घर में रख लो छह मुखी रुद्राक्ष। तो ये घर की फीमेल को ऐसा नहीं कि हाउस बाउंड कर देगा, लेकिन हाँ उसको उसकी लिमिट्स समझा देगा। ठीक है, तो एक सेकंड होल्ड। हाँ जी, तो फीमेल्स को इनर हैप्पीनेस के लिए और अपना कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड पे काम करने के लिए छह मुखी रुद्राक्ष को पहन लेना चाहिए। इसको भी घर की नॉर्थ डायरेक्शन में रखा जाता है। मैंने आपको बोला कि किसी भी फीमेल को बोलना नहीं है आपने, आपने एक्शन करना है, घर में लाके इसकी पूजा करो, सिंपल। वो अपने आप अपनी लिमिट्स में आ जाएगी, अपना दायरा समझने लगेगी, सही गलत उसको समझ में आ जाएगा अपनी लाइफ में। समझ रहे हो आप लोग जो मैं कहना चाहती हूँ? ठीक है, इन अ गुड वे आप इसको घर में रख सकते हैं। फिर आता है आपका अमित जी, क्या पूछ रहे हो आप? अच्छा, विच डायरेक्शन? मैंने आपको बताया ना नॉर्थ। हाँ जी, नॉर्थ, सेम क्वेश्चन, मेरा ख्याल आवाज कट गई होगी। नॉर्थ डायरेक्शन लिखो, एक चीज और लिख लो इसमें छह मुखी रुद्राक्ष में, मेमोरी इंक्रीज करने के लिए भी काम आता है। मेमोरी मतलब आपकी स्मरण शक्ति,
स्मरण शक्ति को बढ़ाने के भी काम आता है। फिर लिखिए सात मुखी रुद्राक्ष। सप्तऋषि शब्द किसने सुना? सबने सुना। चलो, सात मुखी रुद्राक्ष सप्त ऋषि रूपम माना गया है, मतलब कि सात ऋषि रूपम, सप्त ऋषि रूपम। सबसे पहले लिखो इसका इस्तेमाल, कुछ लोग खुश हो जाएंगे आप में से, हमारे मतलब का कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, कैमरा ऑन करो फिर बताऊंगी। ठीक है, देखो अमित जी का कैमरा ऑन हो गया। संदीप जी का तो कैमरा ही नहीं काम कर रहा। कीर्ति मैडम, आपको कैमरा ऑन करने में कोई दिक्कत है क्या? दे दो आप भी कोई रीजन मैसेज करके, मुझे पता लग जाएगा। लिखो सात मुखी रुद्राक्ष बिजनेसमैन के लिए होता है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो अपने बिजनेस में बहुत रिस्क पे पैसा उठा के लगाते हैं या नए नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, एक तरीके से वो नए बिजनेस में इन्वेस्ट करके जुआ खेलते हैं, देखते हैं क्या होगा, है ना। तो ऐसे बिजनेसमैन जो बहुत सारे तरह तरह की इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक मेडिसिन की शॉप है हमारी, वो हमारा बिजनेस है, ठीक है, उसके बाद ना हमने कोई ब्रांच खोल ली आज तक और ना ही आगे खोलने का कोई इरादा है, और आप पहन के बैठ जाओ, उसका कोई असर नहीं है। हाँ, जिस जो बंदा अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है और मल्टीपल टाइप ऑफ बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए सात मुखी रुद्राक्ष जो है बहुत ईजी है, बहुत ईजी बोल रही हूँ, बहुत अच्छा है पहनना। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि सात मुखी रुद्राक्ष अगर किसी गरीब इंसान को भी मिल जाए तो वो भी अपनी जिंदगी में, जो बिल्कुल एक हम बोलते हैं जी लेबर क्लास पर्सन है, रिक्शा पुलर है, कोई बिल्कुल सामान ढोने का काम करता है, अगर ऐसे इंसान को भी सात मुखी रुद्राक्ष कोई दे दे तो वो भी अपनी जिंदगी में बहुत प्रॉस्पेरस हो जाता है। सात मुखी रुद्राक्ष का इस्तेमाल अस्थमा और रेस्पिरेशन सिस्टम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए पहना जाता है। ठीक है, सात मुखी रुद्राक्ष अस्थमा और रेस्पिरेटरी इश्यूज को ठीक करने के लिए पहना जाता है, और इसको ना घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखा जाता है। सात मुखी रुद्राक्ष को घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखा जाता है। सात मुखी रुद्राक्ष धन कमाने में आपकी मदद करता है, और क्योंकि इसको हम साउथ ईस्ट में रख रहे हैं ना, तो साउथ ईस्ट में रखने से ये पति पत्नी का प्यार भी बढ़ाता है। अब जो लोग वास्तु वाले हैं उनको पता है कि साउथ ईस्ट कितना इम्पोर्टेंट है। हेलो मैम, तो जैसा कि आपने बताया है, तो साउथ ईस्ट में मैंने जो है क्या कहते हैं कितना छह मुखी लगा रखा है, और आई थिंक छह मुखी का लॉर्ड आई थिंक शुक्र होता है, इसलिए वास्तु डिफेक्ट की वजह से नंबर के हिसाब से इनके लॉर्ड नहीं होते, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो लोग करते हैं। ओके ठीक है, ओके तो सात मुखी को साउथ ईस्ट में रखने से जैसा कि आपने बताया तो उसको रखा जा सकता है साउथ ईस्ट में। जी, और इसके लॉर्ड कौन होते हैं? डीटी, आई मीन हाँ जी सर, बताया अभी आपको सप्त ऋषि। सप्त ऋषि, ओके। किसी प्लैनेट सप्त ऋषि रूपम ही बोला जाता है, कोई प्लैनेट इसके लिए ऐसा ही नहीं है? सिर्फ प्लैनेट्स भी हैं, किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई है, अगर कुछ स्पेसिफिक है तो वो मैं साथ के साथ मेंशन कर रही हूँ, अदरवाइज हाँ सात मुखी का अगर आपने पूछा है तो लिख लीजिए। सात मुखी रुद्राक्ष जो है भगवान शनि देव से जुड़ा हुआ है, शनि देव से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसका कोई स्पेसिफिक है वो मैं बता रही हूँ, साथ साथ जिसके साथ नहीं जोड़ा गया तो उसके ऊपर डिस्कशन करने का कोई वो नहीं बनता।
लेकिन हाँ, सात मुखी रुद्राक्ष शनि भगत पहनते हैं, ठीक है। तो बेसिकली शनि देव भी ना हमारे प्रोफेशन के कारक ही होते हैं, तो पहनने से इनको हमारे प्रोफेशन में ही बूस्ट मिलेगा दोनों केसेस में, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और बताती हूँ, चाहे एक इंसान ने सैकड़ों पाप किए हों अपनी जिंदगी में, बहुत सारे गलतियां हो गई पास्ट में, अगर वो सात मुखी रुद्राक्ष पहन लेता है तो वो इन सब चीजों से मुक्त हो जाएगा। बेसिकली सात मुखी रुद्राक्ष किसी को मृत्यु तुल्य कष्टों से भी बचा लेता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, आठ मुखी रुद्राक्ष। लिखिए, आठ मुखी रुद्राक्ष को गणेश रूपम माना गया है, गणेश रूपम माना गया है। तो जैसे गणेश भगवान की पूजा होती है कोई भी नया काम शुरू करने से पहले, ठीक है, जब आप गणेश जी को बुलाते हो, आरती करते हो भगवान की कोई भी नया काम शुरू करने से पहले, या फिर जो लोग मतलब गणेश जी के भक्त हैं वो भी गणेश रूपम आठ मुखी रुद्राक्ष को अपने घर में रख सकते हैं। कुछ लोग इसका इस्तेमाल गणपति जी के दिनों में भी करते हैं, और इन्हीं का विसर्जन करते हैं गणपति जी नाम की। तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा इजी वे है, क्योंकि ये कुछ भी खराब नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, आठ मुखी रुद्राक्ष का पूजा पाठ नए काम शुरू करने से पहले होता है। इसका इस्तेमाल आंखों का आईसाइट इंप्रूव करने के लिए भी होता है। जिस किसी की नजर बहुत ज्यादा कमजोर है वो पहन सकता है। फिर इसके बाद लिखिए, पेट से जुड़ी हुई बीमारियां आठ मुखी रुद्राक्ष को पहनने से खत्म हो जाती हैं। पेट से जुड़ी हुई बीमारियां आठ मुखी रुद्राक्ष को पहनने से खत्म हो जाती हैं। अगर आपके पीछे किसी ने कोई भूत प्रेत तो कोई जिन कोई पिशाच लगाया है, आठ मुखी रुद्राक्ष को पहनने से वो आपका पीछा छोड़ जाता है। अगर किसी फीमेल को लगता है कि कोई औरत उसके हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई है, इसको काबू में करने की कोशिश कर रही है, वशीकरण करने की कोशिश कर रही है, तो वो फीमेल्स अपने हस्बैंड को भी आठ मुखी रुद्राक्ष पहना सकती हैं, ठीक है। किसी भी भूत प्रेत पिशाच डायन कोई भी पीछा छोड़ जाएगी, ठीक है, आठ मुखी रुद्राक्ष पहनने से, ठीक है जी। मैं आप लोगों को कुछ मंत्र भेजूंगी अलग अलग रुद्राक्ष को एक्टिवेट करने के लिए, आपको ग्रुप में डाल दूंगी, क्योंकि मंत्र बोल के नहीं बताए जाते। मैं पहले भी बहुत बार इस चीज का परहेज करती हूँ, हमेशा रिटर्न में ही देती हूँ सबको, ठीक है। तो अभी भी रिटर्न में आपके पास आ जाएंगे। हाँ जी, रुक्मिणी मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, जी। ये मैम, ये जो रुद्राक्ष जो पहनेंगे, आप बोले एक पहनने से भी काफी है, तो हाँ, बहुत उसको है। क्या, हाँ तो उसको कैसे, मतलब कौन, हाँ, मैम वो अभी बताएंगे आगे, सिल्वर आगे सिल्वर से पहने? अच्छा आगे अच्छा बताएंगे, ठीक ठीक है। टेंशन मत लो आप, इतना स्ट्रेस मुझे अच्छा नहीं लगता आपको देना।
ठीक है, तो आठ मुखी रुद्राक्ष को साउथ डायरेक्शन में रखा जाता है घर की। नेक्स्ट लिखिए नौमुखी रुद्राक्ष। नौमुखी रुद्राक्ष को नव दुर्गा रूपम माना गया है। इसके नौ चेहरे होते हैं। नवरात्रों के दिन में इनकी पूजा होती है। ठीक है, देखिए ऐसा बोला जाता है कि एक औरत की बॉडी में नौ तरह के हार्मोन्स होते हैं जो उसके पूरे साइकिल को मैनेज करते हैं। नौ तरह के हार्मोन होते हैं जो औरत की बॉडी के कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स को हैंडल कर रहे होते हैं। दिमाग से ही सारे हार्मोन रेगुलेट होते हैं, ये तो सबको पता है। तो औरत की बॉडी में मंथली बेसिस पे जितने भी चेंजेस आते हैं वो नौ तरह के टोटल हार्मोन्स हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो नौ मुखी रुद्राक्ष को हम उनको पहनाते हैं जिनके हार्मोन्स इम्बेलेंस होने की प्रॉब्लम आती है। क्लियर हुआ सभी को? नव दुर्गा रूपम बोला मैंने, नव दुर्गा मतलब माँ दुर्गा के नव रूप, और इसकी पूजा नवरात्रों में की जाती है। नवरात्रों में पूजा करने के बाद किसी भी औरत को पहनाया जा सकता है जिसको हार्मोन्स इनबैलेंस होने का इश्यू है, जैसे कि पीसीओडी एंड पीसीओएस के जो पेशेंट्स रहते हैं। ठीक है, हार्मोन्स के रिलेटेड इश्यू कोई भी हो इसको पहना जा सकता है। हार्मोन से जुड़ी हुई इश्यूज डायबिटीज भी हैं जिनको लोग इग्नोर कर देते हैं, वो भी हार्मोनल इश्यू होता है। वेट गेन होना ये भी हार्मोनल इश्यू है। जरूरत से ज्यादा मतलब सीजनल या अनसीजनल हेयर फॉल होना हार्मोनल इश्यू है। बहुत ज्यादा गुस्सा आना भी हार्मोनल इश्यू है। समय पे पीरियड्स का ना आना या एब्सेंट पीरियड्स फीमेल्स में, ये भी हार्मोनल इश्यू है। थायराइड का होना ये भी हार्मोनल इश्यू है। बहुत ज्यादा एक्नेज या पिंपल होना, चेहरे के ऊपर डलनेस आ जाना एकदम से, स्किन क्वालिटी खत्म हो जाना, उम्र से पहले बुढ़ापे में मतलब उम्र से पहले बूढ़े नजर आना, ये सब हार्मोनल इश्यूज हैं। तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए नौमुखी रुद्राक्ष पहना जाता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। हार्मोन्स की गड़बड़ मतलब आप पहना सकते हो। चलो एक और इन डिटेल बताती हूँ आपको चीज, आजकल बड़ी कॉमन है। जिनको हम बोल देते हैं कि आजकल बच्चे जो हैं अपने दिल की ज्यादा सुनने लगे हैं, ठीक है, लड़कों को लगता है कि उनको लड़कों से ही शादी करनी चाहिए, लड़की को लगता है लड़की से संबंध बनाने चाहिए। मतलब ऐसी अगर फीलिंग्स किसी के अंदर आ रही है, किसी के बच्चे के अंदर, तो उसको ये पहनाया जा सकता है क्योंकि ये भी एक हार्मोनल इश्यू ही होता है। ठीक है, पूरे विश्वास के साथ ये पहनाया जा सकता है, रिजल्ट मिलता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में घर में रख सकते हो अगर वो पहनना नहीं चाहते बच्चे, और ऐसे आपको अगर कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो इसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में घर के रखिए और वहीं पे इनकी पूजा करिए, तब भी बच्चे को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। फिर लिखिए नौ मुखी रुद्राक्ष का इस्तेमाल तांत्रिक लोग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भी करते हैं। नौ मुखी रुद्राक्ष का इस्तेमाल तांत्रिक लोग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भी करते हैं।